गाइज, हम सभी लोग GTA गेम्स को बहुत लंबे समय से खेलते आ रहे हैं और ऐसे में हम मैप को एक्सप्लोर करते करते बहुत सी इंटरेस्टिंग लोकेशंस भी ढूंढ लेते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको GTA 5 की कुछ ऐसी सीक्रेट लोकेशंस बताऊंगा जो मोस्ट प्रोबेबली आपको नहीं पता होंगी, और वो इतनी ज़्यादा अच्छी तरह से छिपाई हुई हैं, इससे तो लगता है कि शायद रॉकस्टार गेम्स चाहता ही नहीं है कि हम उन सीक्रेट प्लेसेस को ढूंढें। लेकिन आज की वीडियो में आपको इस सीक्रेट प्लेसेस एंड लोकेशंस जानने को मिल जाएंगी, इसीलिए इस वीडियो को एंड तक देखना। और अब स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी गेमिंग से रिलेटेड वीडियोज़ देखने के लिए। सबसे पहले बात करते हैं लैंड एक्ट वाटर डैम की, जो कि अपने आप में सीक्रेट लोकेशन नहीं है, पर अगर आप उस रीजन को एक्सप्लोर करोगे तो काफ़ी सारी हिडन चीज़ें मिल जाएंगी। जैसे कि अगर आप डैम पे जाओगे तो वहाँ पे साथ में बहुत सारी बिल्डिंग्स भी हैं, फिर आपको एक बहुत ही अजीब सा रास्ता बना हुआ दिखेगा। अगर आप उस रास्ते पे जाओगे, उसको फॉलो करोगे, तो डैम के नीचे पहुंच जाओगे और वहाँ पे एक हिडन रूम दिखेगा जो कि आपको नॉर्मली नहीं मिलेगा। एंड देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा बड़ा एरिया है जो कि डैम के नीचे हिडन है। आगे बढ़ने से पहले बात करते हैं आज के वीडियो के स्पॉन्सर की, जो कि है हिट पॉव वाटरमार्क रिमूवर। हिट पॉव वाटरमार्क रिमूवर बहुत ही यूजफुल सॉफ्टवेयर है, जिससे आप अपनी वीडियोस या फिर इमेजेस से वाटरमार्क हटा सकते हो। क्योंकि अगर आप YouTube या फिर Instagram के लिए वीडियोस बनाते हो या फिर इमेजेस पोस्ट करते हो, तो वाटरमार्क ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। सबसे पहले आप हिट पॉव वाटरमार्क रिमूवर खोलें और उसमें अपनी इमेज को एक्सपोर्ट कर लें। जिस टेक्स्ट या फिर वाटरमार्क को हटाना है उसे सेलेक्ट करो और बस आपका वाटरमार्क रिमूव हो जाएगा। फिर आप इस इमेज को इजीली एक्सपोर्ट कर सकते हो। अगर आपको वीडियो से वाटरमार्क रिमूव करना है, देन अपनी वीडियो को इंपोर्ट कर लो और वाटरमार्क को सेलेक्ट कर लो। अब अगर आप प्ले करोगे तो आप प्रीव्यू कर पाओगे कि सॉफ्टवेयर ने काफ़ी हद तक वाटरमार्क को हटा दिया है। अब आप इस वीडियो को सिंपल एक्सपोर्ट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से इस सॉफ्टवेयर को ज़रूर डाउनलोड करना, आपके बहुत काम आएगा। नेक्स्ट है फोर्ट सैंक ज्यूडो का कंट्रोल टावर। अब फोर्ट सैंक ज्यूडो इतनी खतरनाक लोकेशन है कि उसके अंदर एक मिनट सर्वाइव करना भी बड़ा चैलेंज है, इसलिए वहाँ जाने के लिए आपको इनविंसिबिलिटी मोड या फिर नो पुलिस मोड लगाना पड़ेगा, वरना आपके बचने का वहाँ पे कोई चांस नहीं है। तो इसलिए अगर आप इन सब मुश्किलों का पार करके अंदर घुस जाते हो तो वहाँ पे आपको एक सबसे ऊंची बिल्डिंग दिखेगी, जो कि है कंट्रोल टावर, और उसके अंदर जाने का भी एक तरीका है। बस इस ग्रीन गेट से अंदर जाना है और यहाँ की लिफ्टें तो ख़राब है, तो इसे स्टेयर्स का ही यूज़ करना पड़ेगा। अब अगर आप 4-5 फ्लोर ऊपर चले जाओगे तो आपको 2 सीक्रेट रूम मिलेंगे, जिसमें से एक शायद सर्वर रूम है। फिर अगर आप और ऊपर जाओगे तो वहाँ पे आपको मेन कंट्रोल रूम मिलेगा फोर्ट सैंक ज्यूडो का, और वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा रूम है, और कभी कभी वहाँ पे एक मशीन गन भी मिलती है, आप उसे ले सकते हो। फिर GTA 5 में आपको 3 सीक्रेट गैराजेस मिल सकते हैं। अब ये गैराज बाहर से देखने में तो बिल्कुल बंद लगते हैं, ऐसा लगता है कि कभी खुलेंगे ही नहीं, लेकिन इनके जो डोर है वो ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएंगे अगर आप इनके पास जाते हो और आप अंदर अपना व्हीकल स्टोर कर सकते हो। उसके अलावा आप वहाँ पर छिप भी सकते हो अगर आपके पीछे गैंग मेम्बर या फिर पुलिस पड़ी है तो। नेक्स्ट हिडन लोकेशन एक ग्लिच है, जो शायद रॉकस्टार ने गलती से छोड़ दिया होगा। पहले आपको मैप पर इस लोकेशन पे आना है। ये जो घर है ना, ये खाली पड़ा है, यहाँ पे कोई रहता वहता भी नहीं है। आपको वहाँ ना ट्री के पीछे आना है और आप देखोगे कि जो ग्रीन हेज वॉल है उसके अंदर आप घुस जाओगे। आप चाहो तो उसके अंदर आसानी से चल सकते हो और कहीं से बाहर भी निकल सकते हो, लेकिन अगर आप वापस अंदर जाने की कोशिश करोगे तो आपको पीछे से ही जाना पड़ेगा। इसलिए आप उस हेज वॉल के अंदर ही रहो और बहुत ही आराम से चल पाओगे वहाँ पे, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। ये सबसे बढ़िया हाइडिंग स्पॉट है अगर आपके पीछे पुलिस वगैरह पड़ी है या फिर अगर आपके पीछे एनिमीज पड़े हैं, क्योंकि इससे आपको डैमेज नहीं होगा। आपने GTA 5 में एयरपोर्ट को तो बहुत एक्सप्लोर किया होगा, पर इसका एक सीक्रेट रूम है जिसके बारे में आपको नहीं पता होगा। इसके लिए आप इस लोकेशन पे आओ और जब आप स्टेयर्स पे चढ़ोगे तो वहाँ कुछ डोर्स हैं जो कि खुल सकते हैं। शायद पूरे एयरपोर्ट के अकेले डोर्स होंगे जो कि खुल सकते हैं, क्योंकि मैंने काफ़ी सारे ट्राई कर रखे हैं। वहाँ पर आप देखोगे कि बहुत ही बड़ा कॉरिडोर है एक्सप्लोर करने के लिए। आप चाहो तो और आगे जा सकते हो। अंदर जो रूम्स हैं वो तो नहीं खुलेंगे, पर अगर आप और आगे जाओगे तो कुछ और डोर्स आएंगे जो कि खुल सकते हैं, और वो टेरेस पे ले जाते हैं। अभी इतना बड़ा कॉरिडोर है, अंदर का इतना बड़ा एरिया है, यहाँ पे तो एक बढ़िया सा मिशन सेट हो सकता था जहाँ हम अंदर जाते, कॉरिडोर्स के पीछे से एनिमीज से लड़ते, बट पता नहीं रॉकस्टार ने ऐसा क्यों नहीं किया। फिर आप वेस्पुसी बीच पर आ सकते हो, जहाँ आपको एक सीक्रेट रूम मिलेगा। इसके लिए आपको इस शॉप पे आना है और अगर आप ऊपर चढ़ोगे तो इसके अंदर चले जाओगे। अंदर काफ़ी बेसिक सी टेबल और चेयर जैसी चीज़ें पड़ी हैं जो कि काफ़ी लो क्वालिटी की हैं। उसके अलावा वहाँ कुछ पोस्टर्स भी लगे हुए हैं जिनका रेजोल्यूशन काफ़ी कम है। अब ये नहीं पता कि ये पोस्टर्स किसके हैं, यहाँ पे क्यों लगे हुए हैं, और उसके अलावा ये जगह आखिर किस काम की है। अब GTA 5 के एयरक्राफ्ट कैरियर इतना बढ़िया लोकेशन है, लेकिन रॉकस्टार ने उसे गेम में इतना ज़्यादा दूर डाल रखा है, क्योंकि इसके लिए आपको ना GTA 5 के मैप में बिल्कुल नीचे को आना होगा
और वहाँ भी आप देखोगे कि कोई इसको मार्क नहीं किया गया। अगर आपने एयरक्राफ्ट कैरियर पहली बार देखा है तो आप खुद सोचोगे कि रॉकस्टार ने इसे इतना दूर क्यों रख रखा है, क्योंकि वो एयरक्राफ्ट कैरियर बहुत ही ज्यादा डिटेल्ड है, बिल्कुल असली जैसा लगता है। ऊपर प्लेन्स और हेलीकॉप्टर्स रखे हैं, चारों तरफ वेपन्स लगे हैं, गन्स लगी है, मिसाइल्स और बॉम्ब्स भी सब रखे हुए हैं। सोचो अगर ये चीज हमें कंट्रोल करने को मिल जाए जीटी में तो कितना ज्यादा मजा आएगा, हम तो पूरे लॉस एंजेलिस को ही खत्म कर देंगे। नेक्स्ट एक सीक्रेट केव जो शायद किसी ने देखी नहीं होगी GTA 5 में। वहां जाने के लिए आपको इस लोकेशन पे आना होगा और वहां पर आपको एक बहुत ही बड़ी केव दिखेगी। ये इतनी बड़ी है कि इसमें आप एक हेलीकॉप्टर या फिर एक हाइड्रा भी ले आ सकते हो। इस केव में कुछ कलेक्टिबल्स मिल जाएंगे पर उसके अलावा आपको एक खाली ही दिखेगी। इस केव के बीचों बीच एक रॉक है जिसके ऊपर आप खड़े हो सकते हो और एक काफी बढ़िया लोकेशन है फोटोग्राफी के लिए, मतलब अगर किसी को GTA 5 में बढ़िया बढ़िया इमेजेस खींचने का शौक है अपने फोन से तो एक बढ़िया लोकेशन है। उसके अलावा अगर आप इस केव के थ्रू देखोगे ना रात को तो काफी अच्छा व्यू भी आता है। अगर आप गेम में इस लोकेशन पर आओगे तो आपको एक क्लॉक टावर दिखेगा। इस क्लॉक टावर पर ऊपर जाने के लिए आपको हेलीकॉप्टर का यूज करना पड़ेगा, फिर वहां पर सीढ़ियां भी है जिससे आप और ऊपर जा सकते हो। सबसे पहले तो आपको एक फुली वर्किंग क्लॉक दिखेगी जो कि बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम दिखाती है जो कि हो रहा है। आप मोबाइल से देखकर इसे कंफर्म भी कर सकते हो। उसके अलावा वहां पे एक ओपनिंग है जिससे आप और ऊपर जा सकते हो। अच्छी बात यह कि वहां का डोर जो है टूटा हुआ है और इससे आप ना बिल्कुल क्लॉक टावर की रूफ पर पहुंच जाओगे। ये बहुत ही ज्यादा बढ़िया लोकेशन है पूरे लॉस सैंटोस को 360 व्यू में एंजॉय करने के लिए। हाँ, मेज बैंक टावर पे भी जा सकते हो 360 व्यू के लिए, बट वो कुछ ज्यादा ही ऊंचा है। मुझे तो ये लोकेशन बेस्ट लगी, मतलब आप इससे ना घूम घूम के पूरा लॉस सैंटोस देख सकते हो जो कि काफी ज्यादा सुंदर लगता है। उसके अलावा आप यहाँ पर खड़े होकर स्नाइपिंग भी कर सकते हो। अभी जो केव मैं बताने जा रहा हूँ ये तो इतनी ज़्यादा हिडन है ना कि बहुत कम लोग इसको ढूंढ पाए होंगे। अगर आप इस लोकेशन पर आओगे तो यहाँ माउंटेन्स में एक शैडो दिखेगी। ये एक्चुअली शैडो नहीं है बल्कि एक छोटी सी केव है, आप उसके अंदर जा सकते हो। वहाँ कुछ खास तो नहीं है बट अगर आप उसकी ओपनिंग से बाहर देखोगे तो आपको एक बहुत ही अच्छा व्यू दिखेगा माउंटेन पीक का। अब एक केव माउंटेन्स के बिल्कुल बीचों बीच है जहाँ तो कोई आता जाता भी नहीं है, इसलिए इस लोकेशन को ढूंढना इतना ज़्यादा मुश्किल है। GTA 5 में बहुत सारे आइलैंड्स मिल सकते हैं जिनका रॉकस्टार ने गेम में यूज नहीं किया है। इनमें से एक आइलैंड है ये आइलैंड जो कि काफी स्ट्रेंज है। इस पर एक हट बनी हुई है जो कि अबैंडन्ड है और काफी ज्यादा पुरानी भी है, काफी गंदी भी हो रही है अंदर से, मतलब काली काली हो रखी है। स्ट्रेंज बात यह कि उस हट के बाहर आग लगी हुई है एंड ये हमेशा जलती ही रहती है। भाई ये कैसे हो सकता है कि ये जो वुड फायर है ये कैसे जल सकती है हमेशा के लिए, ये सबसे बड़ी स्ट्रेंज चीज है। उसके अलावा उसके चारों तरफ आप देख सकते हो कि तीन लोगों के बैठने के लिए बॉक्सेस हैं और कुछ पिज्जा बॉक्सेस भी पड़े हुए हैं जिसका मतलब यहाँ पे कोई रिसेंटली रहने आया होगा। GTA 5 में एक मेंशन है जिसका नाम रखा गया द बैचलर मेंशन। इस मेंशन के लिए आप इस लोकेशन पे आइए एंड आप देखोगे कि ये बहुत ही बड़ा और लग्जूरियस मेंशन है, देखने में काफी अच्छा भी लगता है। अब आप इसके अंदर तो नहीं जा सकते बट आप बाहर से इसे एक्सप्लोर कर सकते हो एंड काफी बड़ा भी है तो आप अंदर ही अंदर घूमते रहोगे। अब ये मेंशन बहुत ही ज्यादा सिमिलर है द बैचलर नाम के रियलिटी शो के मेंशन से जो कि एक अमेरिकन शो है। GTA 5 में बहुत सारे होटल्स हैं जिसमें से एक है ये। इस होटल के बाहर ही फ्रैंकलिन ने लेस्टर के लिए एक असैसिनेशन मिशन किया था। अब अगर आप इसके अंदर जाना चाहते हो तो आप नहीं घुस पाओगे क्योंकि ये बंद है, लेकिन इसके पीछे एक सीक्रेट रास्ता है जो कि बहुत कम लोगों को पता होगा। उसके लिए आप मैप में इस लोकेशन पे आइए, देन यहाँ गेट से अंदर घुसोगे तो स्विमिंग पूल के पास आ जाओगे। अभी GTA 5 का वन ऑफ द बिगेस्ट स्विमिंग पूल है एंड दिखने में भी अच्छा लगता है। एंड ये हैरान की बात है कि रॉकस्टार ने क्यों इस जगह पर जाने का इतना टेढ़ा रास्ता बनाया है, लिटरली हमें पार्किंग से होकर जाना पड़ता है यहाँ पे। GTA 5 के मिस्टर फिलिप्स और फ्रेंड्स यूनाइटेड मिशन में आपको याद होगा कि हमने द लॉस्ट एमसी गैंग को जाकर खत्म कर दिया था, मतलब बहुत हद तक मार दिया था। अगर उसी लोकेशन पर आप गेम में बाद में जाओगे तो इतने सारे ट्रेलर्स दिखेंगे जिसमें से एक खुला हुआ मिलेगा। अब इस ट्रेलर को ढूंढना काफी मुश्किल हो सकता है क्योंकि यार सारे एक जैसे ही लगते हैं और दूर से देखने में पता भी नहीं लगता कि कौन सा ट्रेलर खुला होगा। फिर भी जो मैंने लोकेशन बताई अगर आप इस पे आओगे तो आपको ट्रेलर खुला हुआ मिलेगा। अंदर ज्यादा कुछ तो नहीं है बट सोचने वाली बात यह है कि इन सभी ट्रेलर में से रॉकस्टार ने सिर्फ यही वाला क्यों खुला छोड़ा है। अगर आप GTA 5 में इस लोकेशन पर आओगे तो आपको अनयूज ड्रेनेज टनल्स मिलेंगे। आप इनके अंदर भी जा सकते हो और ये दूसरी साइड खुल जाती हैं रोड्स के। उसके बाद दो और ड्रेनेज टनल्स है जो कि और आगे जाकर खुलती है एंड अंदर आप देखोगे बहुत ही रैंडम से सामान पड़ा है, जैसे कि चेयर है, फिर कुछ कार्गो टाइप सामान है, बॉक्सेस हैं, फिर एक ट्रैक्टर का व्हील भी है। अब टनल्स की ओपनिंग पर तो जाली लगी है जो कि थोड़ी बहुत टूटी हुई भी है बट इतनी भी बड़ी नहीं है, फिर इतना बड़ा बड़ा सामान इसके अंदर कैसे आया ये सोचने की बात है। तो बस गाइज यही था आज के वीडियो में, उम्मीद है कि ये लोकेशंस आपको पसंद आई होंगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कर देना और साथ ही चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर देना ऐसी वीडियोस देखने के लिए। मिलूंगा मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।